हाय एवरीवन, आप सबको फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको जो मैं बताने वाला हूँ आप से लोग जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आप सभी लोगों का अगर फोटो डिलीट हो गया है, 2 साल 4 साल कितना भी पुराना फोटो क्यों ना हो, आप से लोग उसे वापस ला सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप से लोग कितना भी पुराना फोटो क्यों ना हो, आप से लोग उसे वापस ला सकते हो। किस प्रकार से आपको लाना है आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप से लोग एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा और मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा उसी प्रकार से आप सबको अपने फ़ोन में करते जाना है। और अगर दोस्तों आप से लोग हमारे चैनल पर नए हो और इसी प्रकार की नई नई जानकारी लेना चाहते हो तो आप से लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबको लेकर चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ गए अपने फोन की स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सबको दोस्तों मैं 2 तरीके अभी मैं बताऊंगा जिससे दोस्तों आपका 100% आपका फोटो रिकवर हो जाएगा और आप सबको कितना भी पुराना फोटो क्यों ना दोस्तों आप सब उसे वापस ला पाओगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में यहाँ से दोस्तों आप सबको अपने प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है फोटो रिकवरी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है फोटो रिकवरी। आप इस प्रकार से सर्च कर लीजिएगा फाइल रिकवरी फोटो रिकवरी, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ऐप दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लो, आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इससे दोस्तों आपको मैं अभी दिखाऊंगा 110% दोस्तों आपका जो फोटो है कितना भी पुराना फोटो क्यों ना हो आप लोग उसे वापस ला पाओगे। उसके लिए दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है कि आपको यहां पे देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है इंस्टॉल, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि यहां पे देख सकते दोस्तों मेरे यहां पे किस प्रकार से अब डाउनलोड हो चुका है, यहां पे देख सकते दोस्तों मेरे यहां पे सिक्योरिटी स्कैन कर रहा है, जो कि यहां पे जब डाउनलोड हो जाता है ऐप तो यहां पे सिक्योरिटी को स्कैन करता है कि ये ऐप सही है या गलत। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है कि आप सबको यहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि यहां पे लिखा हुआ है ओपन, आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सबको यहाँ पे एक सही का निशान देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा हुआ है आपको इस पे सिंपली सा क्लिक करना है। आप किस चीज का रिकवरी करना चाहते हो, किस चीज को आप लोग वापस लाना चाहते हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लिखा हुआ है फोटो आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको परमिशन को अलाउ कर देना है आपको इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो लिखा हुआ है टैब टू स्टार्ट स्कैनिंग, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपका जो फोटो है वो यहाँ पे स्कैन होने लगेगा और सारा फोटो वापस आने लगेगा। यहाँ पे आपको सारा डिलीट फोटो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों मेरे यहाँ पे सारा जो है फोटो यहाँ पे स्कैन हो चुका है और यहाँ पे भी रिकवरी हो गया है जो कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सब का जितना भी पुराना फोटो रहेगा दोस्तों सारा फोटो आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके और देख लेना है कि आपका फोटो यहाँ पे जितना भी डिलीट फोटो था सारा फोटो आपको यहाँ पे है या नहीं। आप सभी लोग यहाँ से इस प्रकार से स्क्रॉल करके और नीचे की ओर जाएगा तो आपका सारा फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब तक का जितना भी डिलीट फोटो होगा दोस्तों सारा फोटो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फोटो को आप सभी को गैलरी में लेकर जाने के लिए आपको क्या करना है कि आप सबको उस फोटो को आपको क्लिक करना है। जैसा कि दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे एक फोटो पे क्लिक करता हूँ और आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते दोस्तों मेरा यहाँ पे एक फोटो है जो कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते दोस्तों मेरे यहाँ पे किस प्रकार से फोटो आ चुका है। चलिए मैं इस पर क्लिक किया, मैं इस पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों मैं इस फोटो पे, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है रिकवर। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो ये दोस्तों आपके गैलरी में दोबारा यहाँ से चला जाएगा अपने आप ही। आपको यहाँ पे प्रचार आएगा, आपको सभी प्रचार को स्किप करते जाना है, आपको यहाँ से कट करते जाना है। यहाँ से दोस्तों आपका जो फोटो है वो आपकी गैलरी में चला जाएगा। जैसा कि आपको चलिए मैं यहाँ से बैक होकर यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने गैलरी में। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरा फोटो अभी जो था वो यहाँ पे आया है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों मेरे यहाँ पे किस प्रकार से फोटो जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरा फोटो वापस से आ चुका है। इसके बाद चलिए मैं दोस्तों यहाँ से बैक हो जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आपका फोटो नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि आप सबको एक ऐप को डाउनलोड करके रखना है। अगर आप भी अगर स्मार्टफोन को चलाते हो तो आप सबको ये ऐप रखना बहुत ही जरूरी है करना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो कि गूगल फोटो ऐप का कुछ इस प्रकार से लोगो होता है, आप से लोग यहाँ पे अच्छे से देख लो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप सबको यहाँ से आपका फोटो यहाँ पे बहुत सारा जितना भी डिलीट फोटो पुराना फोटो रहेगा दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका तभी यहाँ पे पुराना फोटो देखने को मिलेगा जब आप सभी लोग इस ऐप को अपने फोन में रखोगे। आपका फोटो कितना भी डिलीट हो जाए आप सबको वो फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले इसे डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप सबको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप इज ऑफ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेरा यहाँ पे बैकअप जो है वो ऑफ है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि लिखा है टर्न ऑन बैकअप। तो आप क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको दोबारा से इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज डाटा। आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से दोस्तों आपको पूछता है कि डेली लिमिट फॉर बैकअप, आप जो लोग अपने मोबाइल का डाटा को कितना यूज करना चाहते हो डेली बैकअप के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड पे आपको क्लिक करके रखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है दोस्तों फोटो जितना भी रहेगा सारा यहाँ पे बैकअप लेता रहेगा, और डिलीट भी आपसे लोग कर देते हो तो आपका वो फोटो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों आज ही से ये चीज कर लो, आप अपने फोन में जरूर कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है, आपका दोस्तों सारा चीज यहाँ पे अब हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आज से आप जितना भी फोटो डिलीट करोगे सारा फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अपने आप ही बैकअप लेता रहेगा। तो दोस्तों आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपसे लोग चाहते हो दोस्तों किसी प्रकार की नई नई जानकारी आप सबसे पहले पहुंचे तो आपसे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।